भारतीय लष्कराच्या नागपूर येथील उत्तर महाराष्ट्र आणि गुजरात उमंग सब एरियातर्फे नागपूरमधील मानकापूर विभागीय क्रीडा संकुल येथे येत्या 2 ते 4 फेब्रुवारी दरम्यान शौर्य संध्या या भारतीय लष्कराच्या संदर्भात असणाऱ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाची तयारी अंतिम टप्प्यात असून लष्कर प्रमुख मनोज पांडे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. 3 दिवसीय कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांना भारतीय लष्कराच्या शौर्य कार्यवाही, शस्त्र प्रदर्शन, भारतीय लष्कराच्या विविध तुकड्यातर्फे केले जाणाऱ्या प्रात्यक्षिकाचे प्रदर्शन बघायला मिळणार आहे. 2 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11:30 भारतीय लष्कराच्या ताफ्यात असलेले विविध प्रकारचे रणगाडे, हेलिकॉप्टर, शस्त्रे, अभियांत्रिकी उपकरणे त्याचप्रमाणे विविध लष्करी संग्रहालयाचे देखील दालने असणार आहेत. उद्घाटन समारंभ 2 फेब्रुवारीला संध्याकाळी होणार असून या दरम्यान प्रेक्षकांना विविध प्रकारच्या लष्कराच्या कार्यवाही, यामध्ये मोटरसायकल डिस्प्ले, आर्मी डॉग शो, विशेष पथकाच्या कार्यवाही, आर्मी सिपनी ब्लँड ड्रोन डिस्प्ले, फ्लाय प्लास्ट यांचा थरार अनुभवायला मिळणार आहे. 3 फेब्रुवारी ते 4 फेब्रुवारी दरम्यान सकाळी 10 वाजेपासून हे प्रदर्शन सामान्य जनतेकरता खुले राहणार आहे. तर या प्रदर्शनाला शालेय विद्यार्थ्यांनी आवर्जून भेट द्यावी आणि लष्करामध्ये भविष्यातील एक करिअर संधी आणि देशसेवेची एक अभूतपूर्व संधी म्हणून पाहावे असे आवाहन केले आहे. और गुजरात से बेरिया का यहाँ पे मूव करके आई है, उसके बाद इस प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है. तो इंडियन आर्मी के तरफ से इस प्रकार का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है. ये 2 तारीख से 4 तारीख तक रहेगा और युवा पीढ़ी को अंदाज़ा दिलाना चाहते हैं कि जो भारतीय फ़ौज है वो प्रेरणा का प्रतीक है. और मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, यहाँ आए और इंडियन आर्मी की माइट को देखें. आप देखेंगे इसमें स्टैटिक डिस्प्ले है और डायनेमिक डिस्प्ले है. स्टैटिक डिस्प्ले जो कि आपके चारों तरफ है, विभिन्न प्रकार के वेपन्स हैं, सिस्टम्स हैं जो कि आगे काम आएंगे, और डायनेमिक डिस्प्ले जो शाम को आयोजन होगा. तकनीक का मनन यहाँ पर इंडियन आर्मी के जो सबसे मॉडर्न सिस्टम्स हैं उनको पूरे इंडियन आर्मी के फील्ड फॉर्मेशन से यहाँ पर लाया गया है. अगर आप देख सकते हैं आपके दाहिनी तरफ, वहाँ पर सारे आर्टिलरी के इक्विपमेंट हैं, जिनमें से मेजर इक्विपमेंट K9 वज्रा, सोल्टम और धनुष जो इंडिया में आजकल बनाए जाते हैं, इंडिया के इंडिजिनाइज प्रोजेक्ट्स हैं. इसके अलावा भीष्मा T90 जो इंडियन मेन बैटल टैंक है, ICV है, इंजीनियर इक्विपमेंट है जो कि लड़ाई में हमें ऑब्स्टिकल क्रॉस करने और लड़ाई में जीत हासिल करने के काम आता है. जो हमारा इक्विपमेंट फ्लड रिलीफ और बाकी जगह पर इस्तेमाल होता है वो है, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल कंटेमिनेशन से बचने का इक्विपमेंट है. इन्फेंट्री के सभी इक्विपमेंट जो कि मॉडर्न इक्विपमेंट है, जो आज हमारे नॉर्दर्न और चाइनीज़ बॉर्डर्स पर डिप्लॉयड है और इस्तेमाल हो रहा है, वो सब सबके देखने के लिए लगाया हुआ है. इसके अलावा काफ़ी स्टॉल्स लगाए हुए हैं जिसमें कैसे रिक्रूटमेंट हो सकता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, अग्निवीर्स को आगे प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, उनके स्टॉल्स हैं. हमारे एमिनेशन, उनका पूरा हिस्ट्री, आज मॉडर्न एमिनेशन क्या है, आगे क्या होगा, एंड इसके अलावा हमारे वेरियस वेपन्स के बारे में काफ़ी सारा स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें सब लोग आकर देख सकते हैं, इंडियन आर्मी के अंदर क्या क्या फोर्स है उसके बारे में जान सकते हैं और इंडियन आर्मी में आगे ज्वाइन कर सकते हैं. इस सब के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं.